गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3। तो उसमें हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था नया रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटिंग ऑफ न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हमने पिछले वीडियो में सीखा था। अब है गेन रेशियो, ठीक है, उसी का एक पार्ट है गेन रेशियो। द रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एक्वायर द आउटगोइंग पार्टनर शेयर। वो रेशियो जिसमें कंटिन्यूइंग पार्टनर, यानी कि जो बाकी जो बच गए वो पार्टनर, जो कंटिन्यू रहने वाले हैं वो पार्टनर है ना, रिटायरिंग और डेथ होने वाले पार्टनर के अलावा जो पार्टनर है जो कंटिन्यू रहने वाले हैं वो एक्वायर करते हैं द आउटगोइंग पार्टनर शेयर। आउटगोइंग यानी जाने वाले पार्टनर का शेयर जो है वो लेते हैं, ठीक है। एक्वायर करने का मतलब उसमें जो उनका शेयर प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाता है, गेनिंग रेशियो। यानी कि जैसे कि जो गया पार्टनर उसका रेशियो 1/5 है, तो इस 1/5 को बाकी जो पार्टनर है वो किस शेयर में लेते हैं, ठीक है। कोई हो सकता है कि इक्वली ले रहे हो तो दोनों इक्वल ले सकते हैं, आधा आधा, ठीक है, अलग रेशियो में भी ले सकते हैं। हो सकता है केवल एक ही पार्टनर ले रहा हो, ठीक है। तो यहाँ आउटगोइंग पार्टनर का मतलब दोनों से मतलब है, रिटायरमेंट वाला और डेथ वाला दोनों पार्टनर से, ठीक है। रिटायर्ड और डिक्रीज मतलब डेथ, जिसकी डेथ हुई है वो पार्टनर, ठीक है। दोनों पार्टनर जो हैं वो आउटगोइंग ही कहलाएंगे। तो आउटगोइंग पार्टनर जो है उसका शेयर जिस रेशियो में लेते हैं वो कहलाता है गेन रेशियो। ये रेशियो हम कैलकुलेट क्यों करते हैं, ठीक है, गेन रेशियो हमको क्यों कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ लिखा है द रेशियो इन विच रिमेनिंग पार्टनर्स विल पे द अमाउंट ऑफ गुडविल टू आउटगोइंग पार्टनर। ये हमको क्यों कैलकुलेट करना है, क्योंकि जो आउटगोइंग पार्टनर है उसका जो गुडविल का शेयर है वो उसको मिलेगा। जब कोई पार्टनर रिटायर होगा या जाएगा फर्म को छोड़ के या डेथ होगी तो उसको गुडविल मिलेगी। वो गुडविल बाकी के पार्टनर देंगे, रिमेनिंग पार्टनर गेनिंग रेशियो में, ठीक है। किस रेशियो में देंगे, गेनिंग रेशियो में। तो द रेशियो इन विच रिमेनिंग पार्टनर्स विल पे द अमाउंट ऑफ गुडविल टू आउटगोइंग पार्टनर। आउटगोइंग पार्टनर को गुडविल मिलेगी, वो गेनिंग रेशियो में दी जाएगी रिमेनिंग पार्टनर से, ठीक है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। पहले हमने पढ़ा था सेक्रीफाइसिंग रेशियो, उसका फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, यानी ओल्ड आगे होता है न्यू माइनस होता है। तो गेन रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। यानी कि न्यू वाला रेशियो बड़ा होगा और ओल्ड वाला छोटा है, दोनों को माइनस करने पर गेन रेशियो आएगा। अगर ओल्ड रेशियो बड़ा है और न्यू रेशियो छोटा है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ये इस चैप्टर में हमने पढ़ा गेन रेशियो, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था सेक्रीफाइसिंग रेशियो, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। एक दो बार एग्जाम में आया हुआ है कि गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बीच में 2 डिफरेंस बताओ, ठीक है। तो आपको मिनिमम 3 लर्न कर लेने, इसमें से 5 है टोटल, उसमें से 3 डिफरेंस लर्न होने चाहिए। तो फर्स्ट मीनिंग, इसका दोनों का मीनिंग क्या होता है। तो सेक्रीफाइसिंग का मीनिंग है द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है। ओल्ड पार्टनर जो हैं वो नए पार्टनर को अपने शेयर में से जो सेक्रीफाइस करके रेशियो देंगे, शेयर देंगे, वो कहलाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। यानी कि अपना शेयर न्यू पार्टनर के फेवर में जो सेक्रीफाइस करते हैं वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो अभी हमने पढ़ा है, मीनिंग वही है, द रेशियो इन विच रिमेनिंग पार्टनर्स एक्वायर आउटगोइंग पार्टनर शेयर। फिर टाइम ऑफ कैलकुलेशन, कब कैलकुलेट किया जाता है, किस टाइम कैलकुलेट किया जाता है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के एडमिशन की टाइम पे कैलकुलेट किया जाता है। और गेनिंग रेशियो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, ठीक है। जो चैप्टर हम पढ़ रहे, तो ये किसी पार्टनर की डेथ या रिटायरमेंट के टाइम पर कैलकुलेट किया जाएगा। फॉर्मूला अभी मैंने बताया था आपको, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो OPSR माइनस NPSR। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला अभी यहाँ लिखा था अपन, है ना, न्यू माइनस ओल्ड। पर्पस क्यों किया जाता है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो दोनों का रिलेशन गुडविल से, ठीक है। दोनों को कैलकुलेट क्यों किया जाता है, गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया जाता है। तो पर्पज है फर्स्ट न्यू पार्ट सेक्रीफाइसिंग रेशियो का है, न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज डिवाइडेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। नया पार्टनर जो गुडविल लेके आएगा वो बाकी के पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। और यहाँ पर गेनिंग रेशियो है, गुडविल पेड टू आउटगोइंग पार्टनर बाय रिमेनिंग पार्टनर इन देयर गेनिंग रेशियो, ठीक है। अभी हमने यहाँ पढ़ा था कि आउटगोइंग रिमेनिंग पार्टनर जो होंगे वो गुडविल देंगे आउटगोइंग पार्टनर को
गेनिंग रेशियो में। लास्ट पॉइंट इफेक्ट, क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो से रिडक्शन इन शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो ओल्ड पार्टनर होते हैं उनका प्रॉफिट का शेयर कम हो जाता है। सेक्रीफाइसिंग से क्या होगा, जो ओल्ड पार्टनर होंगे उनके शेयर ऑफ प्रॉफिट में कमी आ जाती है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। और गेनिंग रेशियो से जो रिमेनिंग पार्टनर है, जो बचे हुए पार्टनर है, उनका प्रॉफिट का शेयर इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीजिंग इन शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। तो ये है डिफरेंस, तो आपको थोड़े लर्न करने, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कुछ बार। नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है, अभी हम पढ़ रहे हैं एडजस्टमेंट, तो उसमें जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गुडविल से रिलेटेड, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।